वापस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चेंज इन वेरिएबल, है ना। तो अभी हमने मल्टीपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखे थे, अब मल्टीपल इंटीग्रेशन में एक टॉपिक और है कि वेरिएबल आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बीटेक में भी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं। ऐसे आप किसी भी कोऑर्डिनेट में, चाहे यू कॉमा वी हो, चाहे ए कॉमा बी हो, कोई भी स्पेस में किसी भी वेरिएबल्स के टर्म में किसी भी कोऑर्डिनेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो वो कैसे करेंगे वही देखना है आपको अभी। तो टॉपिक का नाम ही यही है, चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल। इंटीग्रेशन में आप वेरिएबल्स चेंज कैसे करोगे, जैसे अगर मेरे पास, मैं आपको पहले बता दूं क्या करना है इसका, इतना इन डेप्थ में डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, पर एटलीस्ट जो जो कैसे चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चेंज इन वेरिएबल में क्या होगा, जैसे आपके पास डबल इंटीग्रेशन मानो है, एक सरफेस है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये सरफेस का इंटीग्रेशन है आपको डबल इंटीग्रेशन डीएक्स डीवाई। और अगर आपको किसी भी नए सिस्टम यू कॉमा वी में कन्वर्ट करना है तो इट इज इक्विवेलेंट टू डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू कॉमा वी, ठीक है, एक्स इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी, तो एफ ऑफ यू कॉमा वी आ जाएगा इंटू, एक होता है टर्म जैकोबियन, इंटू डी यू डी वी, डी यू डी वी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, जैसे आर रीजन पे अगर आप इंटीग्रेट कर रहे थे इस सरफेस को, एक क्लोज डोमेन आर में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो अगेन आपने उस सरफेस को एक्स वाई से यू वी कोऑर्डिनेट पे ले आए, और ये जो आर ही रहे क्योंकि डोमेन सेम रहना चाहिए, तो उस डोमेन का जो एरिया ऑफ डोमेन सेम रहे उसका टेक केयर करता है आपका जैकोबियन। कई बार क्या होता है कि एरिया की डोमेन कंप्रेस हो जाती है, कई बार एक्सपेंड हो जाती है, तो दैट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन बोथ इज टेकन केयर बाय द जैकोबियन, ठीक है। और ये जैकोबियन रहता है, इसका वैल्यू रहता है डेल, जैकोबियन का वैल्यू आएगा आपको डेल एक्स बाय डेल वाई, जैसे डेल एक्स बाय डेल यू, एक्स इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी, है ना। इसमें क्या था कि एक्स जो है इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी एंड इवन वाई इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी, वाई इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी। तो जो जैकोबियन आता है वो आता है डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, डेल वाई बाय डेल यू और डेल वाई बाय डेल वी, ये जैकोबियन आता है कब, जब आप किसी डबल वेरिएबल इंटीग्रेशन को, मल्टीवेरिएबल इंटीग्रेशन को, जो डबल इंटीग्रेशन है, इसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, तो दिस जैकोबियन इज नथिंग बट एरिया रेशियो इन द न्यू सिस्टम टू ओल्ड सिस्टम, है ना। हो सकता है कि कंप्रेस हो जाए, अगर कंप्रेस हो गया तो इसको ये जैकोबियन बढ़ा देगा, तो वन से बड़ा आएगा ये, अगर ये एक्सपेंड हो गया तो ये वन से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जैकोबियन का काम है, ओके। तो ज्यादा तो आपको भी और सिस्टम कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी तो आप इतना नोट करो, ओके। अब सिमिलरली अगर यहां पे ये एक पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पॉइंट अगर मैं लिखूं तो यहां डबल की जगह ट्रिपल इंटीग्रेशन होता तो क्या होता, तो अगर यहां डबल की जगह ट्रिपल इंटीग्रेशन होता कि इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी डीएक्स डीवाई डीजी, और इसको आप लिखते हैं, अब एक्स इज फंक्शन ऑफ एफ कॉमा यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, एक वेरिएबल और ऐड होता है यहां पे दोनों जगह, तो यू वी डब्ल्यू, फिर वाई इज फंक्शन ऑफ अगेन यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू देख नहीं रहा है तो वो यू वी डब्ल्यू है, और z इज अगेन फंक्शन ऑफ यू वी और w, u v और w, x y z जो है ये फंक्शन ऑफ u कॉमा v कॉमा w है ना, वो u v w है, अगर दिख नहीं रहा है तो u कॉमा v कॉमा w है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, ये मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, मैं मिटा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा आलस खा रहा हूं, तो यहां आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू
जैकोबियन, डेल यू, डेल वी, डेल डब्ल्यू, ये क्या आ जाएगा। तो अगर इसको मिटा दें तो डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी और डेल एक्स बाय डेल डब्ल्यू, सिमिलरली डेल वाई बाय डेल यू, डेल वाई बाय डेल वी, डेल वाई बाय डेल डब्ल्यू, डेल जेड बाय डेल यू, डेल जेड बाय डेल वी, डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपको ट्रिपल वेरिएबल में। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग कि जैकोबियन यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, सॉरी लिखते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जी विद रेस्पेक्ट टू यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, इनके रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स देने। तो जैकोबियन स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, डेल एक्स बाय डेल डब्ल्यू, सिमिलर डेल वाई में लिए, फिर जेड के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम और समझेंगे। अब क्या करता हूँ, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं कि जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो क्या चेंजेस आते हैं, वो हम देखेंगे इससे। तो इसका पहला एप्लीकेशन देखो आप, कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कार्टेशियन से पोलर में। तो कार्टेशियन में मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला ही कर देता हूँ क्योंकि डबल इंटीग्रेशन वाला तो उसका सिंप्लीफिकेशन ही है ना। तो अगर मेरे पास सिस्टम था एक्स वाई जी, कार्टेशियन में जो सिस्टम था एक्स वाई और जी, अब इस सिस्टम को मुझे पोलर सिस्टम बदलना है। तो पोलर में क्या होता है आपका आर थीटा जेड, जैसे मानो मेरे पास एक पॉइंट था यहां, मैं लेके जाता हूं और वर्टिकल थोड़ा ऊपर गए। ठीक है, तो ये पॉइंट मानो ये है एक्स कमा वाई कमा जेड, कोई भी पी पॉइंट है इस प्लेन में। ठीक है, स्पेस में कोई पॉइंट है P, तो इसको अगर आप जब R थीटा Z में बदलोगे तो इसमें क्या आता है, एक होती है रेडियस R, एक ये थीटा होता है R थीटा और ये होता है आपको Z, R थीटा और Z। तो ये क्या है, एक सिलेंडर बनाता है, ये क्या बनाता है, एक सिलेंडर। और जो ये सिलेंडर होगा ना, इट मे बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जैसे ये सर्कल बना रहा हूं है ना, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है आपको, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, अरे ये विड्थ, ये जो हाइट है इसकी कितनी भी नीचे भी हो सकती है, कितना भी और कितना ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहले आप एक्स वाई जेड से पी पॉइंट को ट्रेस कर रहे थे, आप कैसे कर रहे हो, आर थीटा और जेड, तो आर थीटा जेड, तो ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है। अब मैं जैसे एक्स अगर आपको बोलूं, पहले जब आप स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई कैसे करते थे, जब एक्स वेरी करता था आपको माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी पूरी एक्स एक्सिस, पूरी फिर पूरी वाई एक्सिस, पूरी जेड एक्सिस, तीनों आप माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी में करते थे तो आपको पूरा स्पेस ऑक्यूपाई होता था। सिमिलरली अगर आप आर थीटा जेड में देखोगे तो रेडियस को अगर पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करना है तो रेडियस जीरो से इंफिनिटी, रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो रेडियस होगी आपकी इसकी जीरो से इंफिनिटी। अच्छा देखो, इंफिनिटी पे कभी भी इक्वल नहीं आता है ना, तो इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है क्योंकि इंफिनिटी तो हमको पता ही नहीं क्या होती है। तो जीरो टू इंफिनिटी और थीटा, थीटा पूरा घूमेगा पूरा क्योंकि सिलेंडर आपको इनफाइनाइट सिलेंडर है, तो थीटा जीरो से टू फाइव, ये थीटा का रेंज हो गया। ठीक है, और जेड आपका प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी, जेड पूरी एक्सिस कवर करेगा। तो ये जो पहले एक क्यूबॉइड से आप स्पेस कवर कर रहे थे, एक इनफाइनाइट क्यूबॉइड से, अब आप एक इनफाइनाइट सिलेंडर से स्पेस कवर कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर से आ जाएगा। अब बस इसको कन्वर्ट करना है कोऑर्डिनेट में। तो आप 2D से देखो, अगर मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन बनाऊं, इनके रिलेशन मुझे देखना है, तो एक्स वाई प्लेन में क्या है, एक पॉइंट है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है। तो अगर आप इसका एक्स कंपोनेंट देखोगे, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, ऐसे वाई क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा,
और जेड इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू जेड। तो इसके रिलेशंस क्या क्या रहेंगे आपके पास, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और जेड इज इक्वल टू जेड। ये आपके रिलेशन मिल गया आपको, एक्स वाई जेड के रिलेशन आ गया आपके आर थीटा जेड के टर्म्स में, आर थीटा जेड के टर्म्स में। ठीक है, तो अब जैसे मानो मुझे कोई भी एक्स वाई जेड दे के रखा है, अब मैं यहां से मिटा रहा हूं ये, या आप लिख लेना पहले, है ना, तो मुझे स्पेस चाहिए तो मैं मिटा रहा हूं इनको, तो साथ साथ हम लिखते चलो पॉज करते हुए। ठीक है, तो अब देखो अगर मुझे किसी ने एक्स वाई जेड दे दिया और बोला कि इसको आर थीटा जेड में कन्वर्ट करो, तो ये तीन रिलेशन है आपके पास। तो अगर मैं पहले दो का स्क्वायर कर दूं तो आर आ जाएगा, पहले दो का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां से आर मिल जाएगा, आर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस नहीं है क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अब आपको कोई बोले थीटा, तो थीटा के लिए इनको डिवाइड कर दो, तो वाई बाई एक्स कर दो, तो वाई बाई एक्स क्या आ जाएगा टेन थीटा, तो यहां से आपको थीटा मिल गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, और जेड तो जेड ही है, तो अगर आपके पास एक्स वाई पता है तो आर भी पता है, आर क्या था अपना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी ने अगर अपने को पूछा कि किसी ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट दे दिया और बोला इसको पोलर में कन्वर्ट करो, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, जेड तो हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, अब हमको इंटीग्रेशन देखना है इसका, कि इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको। तो अब मैं इसको रख कर देता हूं, और आई होप आपने ये डायग्राम सब ले लिए होंगे। तो अब कार्टेशियन से पोलर वाला इंटीग्रेशन देखना है, ये तो पॉइंट कन्वर्जन हो गया, कि अगर एक पॉइंट कार्टेशियन में दे रखा है आपको तो आप उसको पोलर में कैसे लाओगे, ये था। अब मुझे इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना है, कि डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रहा हूं पहले, एफ एक्स वाई जी डीएक्स डीवाई डीजेड को आपको कन्वर्ट करना है पोलर में, तो पहले जैकोबियन चाहिए, तो जो जैकोबियन क्या आएगा, डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, डेल एक्स बाय डेल डब्ल्यू, तो यहां पे यू वी डब्ल्यू क्या, आर थीटा जेड, तो डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल जेड। सिमिलरली डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल जेड, डेल जेड बाय डेल आर, चलो एक बार लिख देता हूं, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल जेड, और डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय सॉरी नॉट एक्स, डेल जेड बाय डेल आर, डेल जेड बाय डेल थीटा और डेल जेड बाय डेल जेड, ये जैकोबियन आएगा, तो निकाल लो इसको। तो डेल एक्स बाय डेल आर क्या है, कॉस थीटा, डेल एक्स बाय डेल थीटा क्या है, आर माइनस आर साइन थीटा, डेल एक्स बाय डेल जेड क्या है, जीरो, एंड इट इज नॉट फंक्शन ऑफ जेड। सिमिलरली डेल वाई बाय डेल आर इज साइन थीटा, डेल वाई बाय डेल थीटा इज आर कॉस थीटा, और जेड का फंक्शन नहीं है तो जीरो, डेल जेड, जेड सिर्फ जेड का फंक्शन, तो जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। ठीक है, तो इसको डिटरमिनेंट निकालो, बस ये थर्ड वाली रूल ले लेते हैं, वन तो r cos square theta plus r sin square theta, तो cos square theta plus sin square theta is 1, तो r common आ गया, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा Jacobian is r, Jacobian is r, अब Jacobian आ गया तो बस conversion हो गया, इसको रफ कर देना। ठीक है, Jacobian आ गया अपना, तो convert हो गया ये, ये अगर मानो ये किसी volume V में था, तो triple integration over the region V, ये वॉल्यूम भी एफ ऑफ एक्स वाई जेड को आपने रख दिया, तो ये आर थीटा जेड की टर्म में कोई फंक्शन आ जाएगा नया, व्हाट इज जैकोबियन, आर और डी आर डी थीटा डी, ये आपको कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया आपको एक्स वाई जेड से कार्टेशियन से पोलर। अच्छा, डबल इंटीग्रेशन होता तो जैकोबियन कितना आता आपको, जेड नहीं होता बस, तो जैकोबियन आता आपको इतना,
अगर डबल इंटीग्रेशन होता तो जैकोबियन सिर्फ इतना आता, ठीक है, और इसका वैल्यू भी आपको क्या आ जाता, इसे हम यहां से देखते तो ये दोनों मिल जाते, ये दोनों मिल जाते आपको, और यहां आ जाता आपको कॉस थीटा डेल एक्स, क्या था आर कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आर साइन थीटा, और इतना आ जाता आपके पास, ठीक है, ये मिल जाता इसको ना। तो अगर ये डबल इंटीग्रेशन में होता ट्रिपल था भी, तो डबल में ये इतना जैकोबियन आता, तो ये भी आपको कितना आ जाता, आर ही आ जाता, क्योंकि आर कॉस स्क्वायर थीटा आर कॉस थीटा था या माइनस था, है ना, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आगे आ जाता आपको। तो अगर डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होता मुझे, तो डबल एफ एक्स वाई, है ना, इसमें रीजन आर, आर इज इक्वल टू डबल एफ इज फंक्शन ऑफ आर थीटा, नाउ एक्स को रिप्लेस करोगे आर कॉस थीटा से, वाई को आर साइन थीटा से, तो आर थीटा का कोई फंक्शन आएगा, इनटू जैकोबियन आर डी आर डी थीटा, आर डी आर थीटा इन रीजन, ठीक है। तो ये 3D कन्वर्जन हो गया और एक 2D कन्वर्जन हो गया, तो ये हम यूज भी करेंगे, है ना, कई प्रॉब्लम्स में अगर कहीं भी आपको हिंट क्या होता है ना कि आप किसी प्रॉब्लम को आपको पता नहीं पड़ रहा है पोलर में कैसे यूज करें, तो आपको कहीं देखने कभी अगर ऐसी टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको सीधा आर स्क्वायर याद आ जाना चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये वाली टर्म, ये वाला जो डोमेन है आर, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में जाता है, सर्कल डोमेन दे दे आपको, तो सर्कल को आराम से आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके हिंट रहेंगे कि आप कब पोलर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इतना काफी है इसके लिए। फिर आप देखते हैं इसको कि कार्टेशियन से हम लोग स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो स्फेरिकल में क्या होगा आपके पास, जैसे मानो वापस आपने पॉइंट बनाया कोई कार्टेशियन में, और कार्टेशियन से आप गए यहां, ठीक है, ये कोई भी वापस पी पॉइंट लिया आपने, एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी, ये पी पॉइंट ले लिया आपने, तो ये आएगा आपको आर, और दिस थीटा, आर थीटा, और यहां आपको मिल जाएगा फाइव, दिस वन मोर थिंग, फाइव, ये एंगल आर थीटा फाइव, आर थीटा आर फाइव, तो इसको ऐसे लिखते हैं आर रेडियस, इसकी आर क्योंकि स्फेरिकल है तो ये भी आर ही रहेगी, ठीक है, ये दोनों आर ही है इसके, और दिस इज नॉट आर, दिस इज नॉट आर एक्चुअली, ठीक है, ये आर रहता है, ये आर क्या है इस पॉइंट का सेंटर से या ओरिजिन से डिस्टेंस, फाइव इसका एंगल है जेड एक्सिस से, और थीटा इसका प्लेन में एक्स वाई प्लेन में एंगल है, ठीक है, तो आर, सो लिखते हैं आर फाइ थीटा, आर फाइ थीटा, आर फाइ थीटा, ठीक है, तो ये आर फाइ थीटा हो गया, तो इसमें स्फीयर है, ये क्या है स्फीयर बनेगा, पूरा पूरा एक स्फीयर बनेगा, जो स्फीयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसे स्फीयर बनता है इसका, है ना, ये रेडियस लेके अगर आप एक स्फीयर बनाओगे ना ऐसा, तो अगर ये आप स्फीयर इमेजिन करोगे ना, तो अब क्या है, अब जो हम लोग स्पेस को ट्रेस कर रहे हैं, पहले हमने क्यूबॉइड से किया, फिर उसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया, सिलेंडर का इनफाइनाइट सिलेंडर से ट्रेस किया, अब इनफाइनाइट स्फीयर से इसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट स्फीयर से आप ट्रेस करोगे, तो पहले एक्स वाई जी का लिमिट क्या होता था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो अब रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ इज जीरो से, है ना, जीरो से इंफिनिटी, इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर हो सकता है, क्योंकि पूरा स्पेस ट्रेवल करना है, फाई कहां से कहां तक होगा, फाई जेड से शुरू होता है आपका, ये आता है आपको जीरो से लेके, ज्वाइन कर दो मैं समझाता हूं मैं आपको, फाई जीरो से पाई बाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई आता है फाई, मैं आपको बताता हूं कैसे, फाई का रेंज रहेगा आपको जीरो से पाई, और जो थीटा है, थीटा ये पूरा घूमेगा टू पाई, थीटा पूरा जीरो से टू पाई, ठीक है, तो ये हो गया, ये मैं फाइव की आपको रेंज बताऊंगा अभी, थोड़ा सा आप
बताऊंगा, पहले थोड़े रिलेशन निकाल ले हम, उसके बाद बताता हूँ ठीक है, नहीं तो क्योंकि इसको डायग्राम को मेरे को थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ कर दूंगा अभी इसको, तो इससे पहले मैं रिलेशन ले लूं जो मुझे काम के हैं। तो एक्स वाई जेड के रिलेशन निकालता हूं मैं आर थीटा फाई के टर्म्स में। तो आप देखो अगर ये पी पॉइंट था, ये आर है, तो अगर आप देखो ये पॉइंट जो है ना ये किसी प्लेन में नहीं है, ये फेस पॉइंट है। अगर आप कोई भी अपने कमरे का कॉर्नर देखोगे ना और पॉइंट पी यहां है, तो पॉइंट पी कहीं स्पेस में है आपके कमरे में ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 है एक्चुअल में ठीक है। तो ये 90, अगर ये वाला फाइव है तो दिस एंगल इज 90 माइनस फाइव, ये एंगल जो है ना ये 90 माइनस फाइव, ये आप इमेजिन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 90 माइनस फाइव है, तो ये अगर आर था तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके सामने वाला, आर साइन 90 माइनस फाइव, तो आर साइन 90 माइनस फाइव हो गया आर कॉस फाइव। सिमिलरली इसके जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर का, तो आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, आर कॉस 90 माइनस फाइव, देयर इज आर साइन फाइव, आर साइन फाइव ये आ जाएगा ठीक है। अब आपको आर साइन फाइव आ गया, तो अब आप एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, जैसे अगर आपको ये आर साइन फाइव पता है आपको, आर साइन फाइव, और ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल जो है वो थीटा है, तो अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर साइन फाइव कॉस थीटा, और वाई क्या आ जाएगा, आर साइन फाइव साइन थीटा। तो बस मिलके एक्स आ गया आपको आर साइन फाइव कॉस वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, वाई क्या बन जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला वाई बन जाएगा, है ना, ये एक्स वाई। मैंने बस इसका प्लेनर व्यू ले लिया, इसका प्लेनर व्यू ले लिया, इसको यहां से इस लाइन को यहां प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ठीक है। तो एक तो हो गया आर साइन फाइव कॉस थीटा ये वाला, और एक हो गया आर साइन फाइव साइन थीटा, तो वाई इज आर साइन फाइव साइन थीटा, आर साइन फाइव साइन थीटा। तो और जेड क्या आएगा आपको इसमें, जेड इज आर कॉस फाइव, जेड इज आर कॉस फाइव, तो ये तीनों रिलेशन मिल गया आपको, जेड इज आर कॉस फाइव ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा आपको, अब ये तीनों रिलेशन पता है, तो आप इससे एक्स वाई जेड से आर थीटा फाइव कैसे निकालोगे, तो एक बार तो आप क्या करो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो अपने अगर इसको स्क्वायर करके तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करो आप, तो ये बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो कॉमन आ गया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, फिर इन तीनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन होता है, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। आप करके देखोगे तो आ जाएगा आपको ठीक है। अब ऐसे ही मुझे अगर फाई निकालना होता या थीटा निकालना हो पहले, तो वाई बाई एक्स कर दो, तो साइन फाइव कैंसिल हो गया, तो जो थीटा आ जाएगा आपको टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ जाएगा, और phi चाहिए तो phi is z by r, r आपको यहां से पहले पता पड़ जाएगा, तो phi is cos inverse z by r। तो अगर आपको कोई x y z दे देगा तो आप उससे r यहां से निकाल लोगे, थीटा यहां से निकाल लोगे, r पता था तो phi पता पड़ गया, तो आप x y z से r phi थीटा में कन्वर्ट कर लोगे ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये phi का रेंज क्या है, पहले तो आप लिख लो ये सब कि r 0 से इंफिनिटी है, फाइव का रेंज जीरो से पाई आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, थीटा तो पूरा सर्किल घूमना ही है तो स्फीयर बनेगा ही नहीं, जीरो से टू पाई, ये रिलेशंस आ गए होंगे आपको समझ में ठीक है। और ऐसे निकालना है, खुद सब लिख लो ये, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये फाइव का लिमिट कैसे आया ठीक। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइव का लिमिट कैसे आया, जैसे आपने मानो ये फाइव था मेरे पास, तो आपके पास ये आर फाइव और फिर आपको पूरा थीटा घुमाना पड़ेगा, जैसे मैं पी पॉइंट को ट्रेस कर रहा हूं आर फाइव और थीटा, जब आप इस पी पॉइंट पे आ गए ना तो इसमें आपको इतना रीजन पूरा ट्रेस हो गया, आर फाइव और थीटा में ये पूरा रीजन ट्रेस हो गया। मान लो आप पहले पहले कहां थे, फाइव जीरो है यहां पे, तो फाइव जीरो तो सिर्फ एक पॉइंट ही था, फिर पी पे आए, पी पे आए
तो आर फाई थीटा पूरा टू पाई घुमा दिया, तो इतना रीजन जितना मैंने शेड किया ना उतना ट्रेस हो गया। फिर आप कहां पे आए, फिर आप यहां पे आ गए, ये हो गया फाई पाई बाई टू। तो फाई पाई बाई टू पे आए आप, रेडियस तो सेम ही रहेगा, और फिर आपने घुमा दिया पूरा चक्का, तो अब ये क्या हो गया, पूरा हेमिस्फीयर ट्रेस हो गया। ये पूरा क्या हो गया, हेमिस्फीयर ट्रेस हो गया, आधा सर्कल आधा स्फीयर ट्रेस हो गया। ऐसे मानो आप कहीं यहां इस पॉइंट पे आते, तो यहां से आपने एक फाई ट्रेवल किया, फिर टू पाई घुमा दिया, तो आर थीटा फाई में फिर इतना ट्रेस हो गया, ठीक है। तो अभी भी ये पाई से कम है, और अगर आप लास्ट में यहां आ जाते, जब ये फाई क्या हो जाता आपको, पाई हो जाता, तो अब आपको पूरा का पूरा स्फीयर ट्रेस हो गया। फाई पाई हो गया तो पूरा का पूरा स्फीयर ट्रेस हो गया, तो इसलिए आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, कि पाई से टू पाई में जाने की जरूरत ही नहीं, वो पहले ही पूरा स्पेस कवर्ड हो जाता है, क्योंकि सिमेट्री के कारण जीरो से टू पाई है ना, थीटा जो है वो जीरो से टू पाई है, तो सिमेट्री के कारण पूरा का पूरा कवर होता जाता है, ठीक है। तो फाई का लिमिट इसलिए जीरो से पाई आता है, थीटा का जीरो से टू पाई, एंड आर का जीरो से इन्फिनिटी, तो पूरा आपका स्पेस पूरा का पूरा ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। स्पेस का कोई पॉइंट आप ट्रेस कर सकते हो, चाहे वो आपको कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या है, ठीक है। चलो तो अब वही जैसे हमने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट किया, नेक्स्ट क्लास वही है हमारा, कैसे इंटीग्रेशन कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अब ये वाला देखो, अब इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना है अपने को, तो ये तीन रिलेशन तो मैंने पहले निकाल लिए, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, अगर वॉल्यूम वी में इंटीग्रेट हो रहा है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी, एफ आर फाइव थीटा, आर फाइव थीटा, आर जीरो से इंफिनिटी, फाइव जीरो से पाई, थीटा जीरो से टू पाई, आर फाइव थीटा, जैकोबियन चाहिए आपको, तो जैकोबियन कैसे निकालोगे, तो डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल फाइव, और डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल थीटा। सिमिलरली यहां पे लिखोगे डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल फाई, डेल वाई बाय डेल थीटा, और डेल जेड बाय डेल आर, डेल जेड जेड बाय डेल फाई, डेल जेड बाय डेल थीटा। तो ये आपको खुद से करके देखना है, तो ये आता है आपको आर स्क्वायर साइन फाई, आर स्क्वायर साइन फाई, ये आर स्क्वायर साइन फाई, ठीक है। इसको आप खुद से करके देखोगे, ठीक है। ये हमेशा मैं क्लास में भी सबको टास्क देता हूँ कि खुद से करो, ये आर स्क्वायर साइन फाई डिटरमिनेंट है और कुछ नहीं है बाबा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको, आर स्क्वायर साइन फाई, आर स्क्वायर साइन फाई, फिर डी आर डी फाई डी थीटा, डी आर डी फाई डी थीटा, ओके, लिखा है डी आर डी फाई डी थीटा, नहीं दिख रहा है सुन लो, आर स्क्वायर साइन फाई dr d phi d थीटा लिखा है, dr d phi d थीटा बार बार बोल दिया मैंने, dr d phi d थीटा लिखा है, तो कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर f of x comma y comma z 1 हो जाता तो dx dy dz वॉल्यूम बन जाता है ना, तो अगर स्पेशल केस लेते हैं इसका, तो f of x y z अगर 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, तो वॉल्यूम हो जाता है, तो कार्टेशियन में वॉल्यूम क्या आता है आपके पास, dx dy dz, ऐसे स्फेरिकल में वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, स्फेरिकल वॉल्यूम आएगी f r phi थीटा, वन हो जाएगा, तो यहां पे जो वॉल्यूम आता है वो आता है r स्क्वायर साइन phi dr d phi d थीटा। सिमिलरली जो किसमें, ये स्फेरिकल में s लिख दिया मैंने, ये कार्टेशियन में सी आर लिख दिया, और सिलिंड्रिकल में सी वाई एन लिख देता हूं, तो सिलिंड्रिकल में क्या आता, अगर f वो जो f उधर था आपके पास r थीटा z वाला वन हो जाता, तो यहां आता r डी आर डी थीटा डी जेड, ये आपका वॉल्यूम हो जाता सिलिंड्रिकल क्वाड्रेंट में, ठीक है, और रीजन भी, तो ये वॉल्यूम्स हो जाते हैं आपके पास। अब क्वेश्चन देखेंगे इसके, कैसे क्वेश्चन आते हैं।